कभी आज तक ऐसा इतिहास में सुना नहीं, पर ना आगे कभी होगा कि मेरे हिसाब से ये मुगल शासन है। मेरे हिसाब से तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। गलती करके आऊँगा तो मेरे को दंड भुगतना ही भुगतना, दंड तो मिलेगा 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 मिलेगा। केजरीवाल जी और मोदी जी देश के अंदर दोनों लोग ऐसे हैं जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हैं। आंदोलन के कंधे पर पैर रखे आए थे, आंदोलन आपने सारा तोड़ दिया, आपके सारे आदमी चले, अन्ना आपके लिए भ्रष्टाचार हो गया। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आए और वो निर्दोष साबित हो और वो अपना राजपाट संभाले। आपको पता लग गया असली रूप क्या है, क्या नहीं है, क्या हुआ क्या था? ये तो बिल्कुल सही नहीं हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली शहर के लिए बहुत अच्छा है। आपने केवल झूठ का लॉलीपॉप दे रखा दिल्ली के अंदर, फ्री 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 उसके नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं, कब तक चलेगी? ज़्यादा दिन नहीं चलेगी राजनीति, ये फ्री की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। बीजेपी सरकार ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई कराई है। जिन लोगों ने आरोप लगाया और सरकारी गवाह जो लोग बने उन लोगों ने दूसरी पार्टियों को भी चंदा दिया है, तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को आप जेल में डाल दे रहे हैं, तो एक तरीके से गलत मैसेज है। इलेक्शन की वजह से हुआ जी, और क्या है, वो सब सब गेम है, सारी की सारी। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी हत्या है मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है एक सिटिंग मुख्यमंत्री को पकड़ने के लिए, ये गलत है। बीजेपी सरकार ऐसा सोच रही है कि हम केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे तो दूसरे स्टेटों के सीएम्स को भी, जहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी अदर बीजेपी स्टेट्स हैं उनको भी फर्क पड़ेगा ही, वो अपनी मेजोरिटी को 400 में कन्वर्ट करने के लिए उनके जैसे उनका गेम प्लान हो सकता है ये ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वही है, बाकी जब जो कानून व्यवस्था से हो रहा ना सब कुछ, ऐसा तो नहीं है, तो सबसे बड़ी कानून व्यवस्था है तो जो है वो ठीक ही हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं है। वो राजनीति कुछ नहीं है जी, चक्रे या गलती करेगा तो जरूर भुगतना तो पड़ेगा ही, दंड तो भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी। अब मैं गलती करूंगा तो मेरे को तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हैं, गलती करके आऊंगा तो मेरे को दंड भुगतना ही भुगतना, दंड तो मिलेगा 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 मिलेगा। आंदोलन के कंधे पे पैर रखे आए थे, आंदोलन आपने सारा तोड़ दिया, आपके सारे आदमी चले, अन्ना आपके लिए भ्रष्टाचार हो गया, कुमार विश्वास भ्रष्टाचार हो गया, आशुतोष भ्रष्टाचार हो गया, सारे भ्रष्टाचार हो गए। आप ईमानदार हैं, बस एक अपना सर्टिफिकेट खुद ही लेके घूमते ईमानदारी का है, ये कोई तरीका नहीं है देश के अंदर। अच्छे काम किए सर आम आदमी पार्टी ने, कोई बुरे काम तो किए नहीं है, तो जो अच्छे काम करता है यहाँ तो यही चल रहा है, जो अच्छे काम करेगा उसको ये सजा मिलती है। लाभ कोई भी लाभ नहीं मिला है यहाँ से, तो केजरीवाल साहब MLA हैं, बाकी 10 साल तो लगभग हो लिए उनको, आज तक तो देखा नहीं मैंने नई दिल्ली में उनको करते हुए कभी, और खासकर सरोजनी नगर में। जो गरीब लोगों को बहुत अच्छा पानी की सुविधा दी है, बिजली का सुविधा दिए है, और लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा फ्री ट्रैवल का सुविधा दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अस्पताल, शिक्षा, पानी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फ्री देने के बाद भी यहाँ का बजट जो है मुनाफे में ही है। फ्री में रेबड़ियाँ बांट रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं, DTC बस फ्री कर दिया हमने, पानी फ्री कर दिया, क्या हो रहा है? दिल्ली घाटे में जा रही है, करोड़ों अरबों रुपये का घाटा हुआ पड़ा है, बिजली तो घाटे में 150 तो घाटे के अंदर है, पानी घाटे के अंदर है, बसों के अंदर खस्ता हालत है, क्या कर रहे हैं बसें बताइए। नहीं, मुझे तो काफ़ी सारा मदद हुआ, क्योंकि मैं तो काम पे जाती हूँ तो मुझे बस भी फ्री है, बाकी कई चीज़ें है ऐसा लगता है। जब वो करते हैं तो बुरा होता है, अगर यही कोई अपोजिशन वाली पार्टी वाले करते हैं तो अच्छा होता है, ऐसा क्यों, ऐसी दोगली नीति क्यों करते हैं? चुनाव के बाद होता तो हम मान सकते थे कि ये राजनीति नहीं था, चुनाव से पहले होना और इंडी गठबंधन का हिस्सा होना केजरीवाल जी के लिए हो सकता है, वो भी एक कारण रहा हो कि भाई इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली में भी होने और पूरी इंडिया में लोकसभा इलेक्शन होने, तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। देखो जी, इसकी गलती से ये अरेस्ट हुआ गया, चुनाव में फर्क पड़ने से जीतेगी और बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी अगले इलेक्शन में मेरा वोट तो उन्हीं को जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए। आप वैसे फाइट करो, जो रियल फाइट करो, इलेक्शन में फाइट करो, अच्छे काम करो, उसकी फाइट करो। अब आप अपने काम बताओ, अपने काम बताए, दोनों को अपने अपने काम बताने चाहिए, उसकी वोट लेनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को अरेस्ट करा के ये सारा कुछ करके। मतलब ये नई चीज़ हुई है, ये हम कभी आज तक ऐसा इतिहास में सुना नहीं, पर ना आगे कभी होगा कि मेरे हिसाब से ये मुगल शासन है, मुगल शासन होता है ना, ऐसे अपने भाई को करा दिया, ये सब वो अलग चीज़।